क्यों समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको अम्मी और रायान को पूरी बात बता देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आपका भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आप ये सारा मसला खुद सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा ही होगा। आनिया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी उसी आग में जल रहा हूँ जिसमें तुम जल रही हो। सरप्राइज। कामिल, आप तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। क्या अच्छा नहीं लगा तो वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना कि आप इतनी अचानक आ जाएंगे। तो इसी को तो कहते हैं सरप्राइज। आई रियली मिस यू, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं इतने लंबे ट्रिप पर गया तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फाइनल हो गया। अब एक मिनट कामिल। एक मिनट नहीं, एक मिनट यहाँ। ये क्या कर रहे हैं कामिल? फोन। मैं अभी आया हूँ और तुम फोन में लगी हुई हो। कोई बात है करने वाली? एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, वो इंतजार। वेल, योर फ्रेंड कैन होल्ड ऑन। ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। मुझे तुम ये बताओ कि पीछे से सब ठीक रहा? खैरियत थी? सब ठीक था भाई। आई हैव गॉट स्टोरीज टू टेल यू। इतना मजा आया। कुछ भी नहीं, सारा दिन मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स। लेकिन ये कि जब वापस होटल आता था तब तुम्हें बहुत मिस करता था। ज़ाहिर है काम की मसरूफियत की वजह से हमारी ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई। तुम कितना लोनी फील कर रही थी? नहीं, आई वाज फाइन। नहीं प्लीज, अगले चंद घंटों के लिए नो फोन कॉल्स। कामिल एक आनिया, इतने दिनों के बाद वापस आया और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फोन कॉल है जो सॉरी मॉम, मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा हूं, लिहाजा अगले चंद घंटों के लिए नो फोन कॉल्स। थैंक यू सो मच। जनाब, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपने इतने दिन क्या क्या किया? कुछ खास नहीं, अम्मी आ गई थी तो अच्छी कंपनी मिल गई थी। चाय बनाओ आपके लिए, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं हम। गुड आइडिया,
मैं भी तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। ये कौन आ गया? एक्सक्यूज मी। हे रायान। हाय, हाउ आर यू? गुड। फूल, देखो रायान, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये फूल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, वो फूल एक्चुअली मैं हाय मैं आनिया के लिए लाया। आनिया के लिए? हाँ, वो कुछ दिनों पहले इनके पाँव में चोट लगी थी, मुझे अभी पता चला, सोचा। ये क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ नहीं हुआ, बस मोच आ गई थी, हल्की सी। ठीक है, हल्की सी मोच आ गई थी, पूरे पाँव में पट्टी बंधी हुई है, मुझे तो बताना चाहिए था। आप खामखा परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, I'm so sorry, I wasn't here for you. कोई बात नहीं, ठीक हूँ, परेशान नहीं। Listen यार, I'm sorry. मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों को disturb कर दिया। मैं फिर आता हूँ। नहीं नहीं, please come in ना, बल्कि जोया को भी ले आते। Directly office से आ रहा हूँ ना, इसलिए जोया को नहीं ला पाया। अगली बार जब आऊँगा, उसको लेके आऊँगा। Take care. I'm so sorry. रायान, भूल ही दोगे आनिया को? Sorry. बिल्कुल भूल गया। Careful soon. I'll see you then. Okay. Nah, take care. Yeah, I'm so sorry. Don't bother. Take care. Thank you. That's actually so sweet of you. Oh, भाई मुझे तो बताओ, मैं भी इतना बेवकूफ हूँ, बातें अपनी बातों में लगा रहा और तुमसे पूछे नहीं, दर्द हो रहा था ज्यादा? ये क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ नहीं हुआ, बस मोच आ गई थी हल्की सी। ठीक है, हल्की सी मोच आ गई थी, पूरे पाँव में पट्टी बंधी हुई है, मुझे तो बताना चाहिए था। आप खामखा परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, I'm so sorry, I wasn't here for you. Careful soon. I'll see you then. Okay. Nah, take care. Yeah, I'm so sorry. No problem. Take care. Thank you. क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक। क्या हुआ है? कुछ नहीं। रायान, तुम मुझसे नाराज हो क्या? अरे नहीं हूँ यार, मैं तुमसे नाराज किसी से नहीं हूँ नाराज, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता। सारा वक्त तो तुम ऑफिस में होते हो, जब घर आते हो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं हो, कोई तो बात है ना जो तुम्हें परेशान कर रही है? यार प्लीज, ड्रामेटिक होना बंद करो भाई, क्या अब्बू काफी नहीं है कि अब तुम्हारी भी ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी? सुबह के बाद इंसान रात को जाके घर आता है, दो मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता, चुप करके नहीं बैठ सकता।
Hello, Rayan. Hey. Hey, how are you? I'm doing good. तो मेरे पीछे से कैसा रहा ऑफिस, सारा कुछ ठीक रहा? All good यार. Almost सारी reports forward कर दी हैं. बस एक दो हैं. I want you to have a look, देख लो, तो फिर उन्हें भी forward कर देंगे. By the way, I wanted to thank you. What? You know, मेरे पीछे से आनिया का ख्याल रखने का. अशरफ ने भी बताया था जब अलार्म बजा तो एन बीच में रात में तुम आए थे. Yeah, it's okay. No problem. नहीं नहीं, seriously, I truly appreciate it. स्पेशली जब आनिया के पाँव पे चोट लगी तो उसको डॉक्टर पे ले जाने का बहुत शुक्रिया. नो प्रॉब्लम, ये तो करना ही था मुझे. पता नहीं आनिया ऐसा क्यों करती है. क्या? कुछ बताती ही नहीं, एकदम अजनबी सी लगनी शुरू हो जाती है, एक पल में पराया कर देती है. तुम जानते हो हमारी अरेंज मैरिज थी. शुरू में अंदाजा था मुझे कि थोड़ा टाइम लगेगा हमें एक दूसरे को समझने के लिए, और मैंने इसके लिए बहुत कोशिश भी की, मैंने उसको उसकी स्पेस भी दी. लेकिन मुझे लगा बीच में कि शायद हमारे दरमियान जो दीवारें हैं वो गिर रही हैं, ये जो फासले हैं ये मिट रहे हैं. लेकिन नहीं, जब से लंदन से वापस आया हूं वही शादी से पहले वाली आनिया लग रही है. आनी, तुम्हें बात करनी चाहिए उससे. If only it was that easy. खैर सॉरी, मैं ऐसी खामखा अपनी शादी के मसले तुम्हारे साथ लेकर बैठ के आ गया. It's okay, no problem. But I truly love her. ये शायद मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं. Thanks for listening. जोया कैसी है? ठीक है. तो चलो ना, let's all get together sometime. Sure, then make some plan. हाँ तो शाम में क्लब में मिलते हैं? नहीं यार, आज नहीं. इनफैक्ट तुम्हें बताना भी था, मैं आज आ नहीं पाऊंगा. नहीं देखो, हो सकता है आज वो दिन हो जब तुम ना हारो. You never know. चल ना, मैं I'm not gonna listen no कि नहीं मैंने नहीं आना. We are meeting at the club tonight और लाजमी हमने मिलना है, बस डन हो गया. I'll see you in the evening. चलो बस डन हो गया ना. चलो see you around. मुझे तुमसे एक बात करनी है. मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं. रायान को क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है उसका? सारा सारा दिन दफ्तर में गुजारता है, रातों को लेट दफ्तर से घर वापस आता है. उसे कहो कि जोया को टाइम दिया करे, बहू के साथ बैठे बात करे, उसको कहीं घूमने फिराने लेके जाए, उसको वक्त दे. क्या हो गया आपको? पहले तो आप उसके पीछे पड़े रहते थे और अब ये सब क्या हो रहा है? पहले की बात और थी, और ये भी कोई मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ. रायान से तो मैं बात कर लूँगी, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछना है. क्या? मेरी माँ हमसे बात हुई थी फोन पे, वो भी मुझे खुलकर नहीं बता रही है, छुपा रही है मुझसे. आप मुझे सच सच बताएं, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक. नहीं जिब्रान, आप मेरे से कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा. आप दोनों मिलके मुझे बता नहीं रहे सब खैरियत है, सब ठीक है ना? एक तो तुम बहुत जज्बाती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझ पे भरोसा रखो. चल रहा, क्या हो गया? ब्रेक लेते हैं. हाँ हाँ श्योर.
क्या बात है, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। डिस्टर्ब लग रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। पर ऐसी कोई खास बात नहीं है। खास बात नहीं, इनकी कुछ तो बात है। मैं बस तुम्हें हराना चाहता था। ये जो गेम है, ये सिर्फ फिजिकल गेम नहीं, ये दिल और दिमाग दोनों से खेला जाता है। इसमें एक गलत कदम उठाओगे तो हार जाओगे, लिहाजा हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हेलो, मैं भी तुमसे मिलना चाहता। ठीक है, ये मोबाइल, ये जेब में पैसे भी हैं। तुझे क्या लगता है, तेरे इस 2% के मोबाइल से तेरा कर्जा उतर जाएगा? कर्जा? सीधी बात तेरी समझ में नहीं आई ना? अच्छी तरह समझाओ इसे। चल निकल यहाँ से। अभी तो तुझे छोड़ के जा रहा हूँ और आंदा तेरे से बुरा हाल तेरे बेटे का करूंगा, समझा? चलो। अब हम नहीं मिल सकते रहे। मुझसे मिले बगैर रह पाओगी? नहीं, मगर हम कुछ और कर भी नहीं सकते। आनिया, तुमसे ना मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम सोच नहीं सकती। जब भी मैं तुम्हें कामिल के साथ देखता हूँ, कितना गुस्सा आता है, खून किसे खोलने लगता है। बार बार बस यही सोचता रहता हूँ मैं कि तुम उसके साथ क्यों, मैं क्यों नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जोया के साथ देख के मुझे कैसा लगता होगा? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया था कि शादी से इनकार कर, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कहा था ना, हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, पर तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया रेहान, सब कुछ खत्म कर दिया है। तुम्हें क्या हक था हमारी मोहब्बत का फैसला करने का? जानता हूं गलती हो गई मुझसे, हम दोनों का गुनहगार। फिर अब क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मानिया। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे लगता है हमें सोया और कामिल को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें आनिया, आज भी उतना ही चाहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ हमें उन्हें सब बता देना चाहिए। उससे पहले तुम मुझे बताओ, तुम भी यही चाहती हो? हाँ, लेकिन कामिल को किस तरह बताएंगे हम ये सब कुछ? उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी और सोया उस पर क्या गुजरेगी? हाँ, जानता हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर एक जबरदस्ती के रिश्ते में रहकर हम इसे कोई भी खुश नहीं रह सकता। आने में तुम्हें कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, इसीलिए तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं।
मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, और आज अगर पहली बार पूछ ही लिया है तो बजाय डिस्कस करने के उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। क्योंकि मुझे डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है। और ठीक है, आइंदा आपको हर चीज की रिपोर्ट दे दिया करूंगी, कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। जिब्रान, ये क्या खैरियत तो है? अबू, क्या हो गया आपको? नहीं, वो गली में कुछ लड़के मोबाइल छीनने आ गए मेरा। हाँ, बात तो सुनी, मारना शुरू कर दिया। अरे आप चुपचाप करके अपना मोबाइल उनको दे देते ना। अरे बात तो सुनते, वो बात ही नहीं सुनी। लेकिन अबू, फोन तो आपकी जेब में है। हाँ, वो असल में मोहल्ले के लोग जमा हो गए ना, तो वो घबरा के भाग गए, मोबाइल छोड़ गए। कीड़े पड़े उन्हें, शर्म नहीं आई उन्हें किसी बुजुर्ग पे इस तरह हाथ उठाते हुए, वो भी एक छोटे से फोन के लिए। शुक्र है आपकी जान तो बच गई। हाँ, वरना आजकल छोटी सी चीज के पीछे लोग एक दूसरे को गोली मार देते। चले, आप कमरे में आराम करें। चले, आई हेलो, कहाँ घूम रही हो? मैं अम्मी के यहाँ। अम्मी के यहाँ? जी कामिल, मैं आपको कुछ देर में फोन करती हूँ। चलो ठीक, ओके बाय। Yes. अबू, शुक्र है आपको ज्यादा चोटें नहीं आई। अबू, सच बताएं, आपके साथ किसने किया है ऐसा? वही मोबाइल स्नैचर थे, जो इतना सब कुछ करने के बाद ना तो आपका फोन लेकर गए ना आपका वॉलेट। अबू, ये वही लोग थे ना, वो जो आदमी उस दिन घर पर आया था? मामला तो काफी सीरियस हो गया है। जानता। अबू, अब आपको अम्मी और रायहान को सब कुछ बता देना चाहिए। कैसे बताऊंगा उन्हें ये सब कुछ? कैसे बताऊं बेटा कि ये छत, उनकी ये छत भी गिरवी रखी हुई है मैंने, कैसे बताऊं? क्या आपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है? कुछ नहीं हुआ बेटा। वो आपने तो कोशिश करके देख लिया है ना, अब मदद मांगने का वक्त आ गया है।
और आप कौन सा किसी पर आए से मदद मांग रहे हैं? आपका अपना बेटा है, अगर वो आपका सहारा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अब वो अगर आज उन लोगों ने ये किया है, इसका मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। आज आपके साथ किया है, कल को हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो लोग। अभी तो तुझे छोड़ के जा रहा हूं और आंदा तेरे से बुरा हाल तेरे बेटे का करूंगा, समझा? प्लीज अप्पू, मान जाए ना, हम सब की जिंदगी का सवाल है ये तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अशरफ भाई। आनिया? सर मैडम तो आज दोपहर से बाहर गई हुई। अच्छा, चाय ला दूं सर आपके लिए? चाय ला दूं सर आपके लिए? हाँ प्लीज। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम बेटा? ये अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक, आप सुनाइए? सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भाई अब ये क्या, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। आंटी वो काम में मसरूफियात की वजह से आपकी तरफ चक्कर नहीं लग सका, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। आंटी आनिया आपकी तरफ आई हुई है? नहीं वो तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत। वो असल में उसका फोन नहीं मिल रहा था तो आई थॉट कि मैं आपको फोन करके चेक कर लूं। अच्छा अच्छा, वो आएगी तो मैं कह दूंगी कि तुम्हें कॉल कर ले। जी प्लीज कह दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, जीते रहो। खुदा हाफिज। रायान तुम आ गए? सोया मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। अब्बू को तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उनसे मैं बात कर लूंगा पर उससे पहले तुमसे बात करना जरूरी है। नहीं रायान, अब्बू बहुत बड़ी मुश्किल में है, उनको इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आओ। क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रहे हैं? मुझे लगा था कि मैं सब खुद हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमाद वो दुकान ही नहीं चला पाएगा। लेकिन आपको हमसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। एक तरफ बैंक की किस्तें खड़ी हैं और दूसरी तरफ ये गुंडे, ये क्या कर दिया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है मैंने, सारी जिंदगी मेहनत करता रहा तुम लोगों के लिए, ये घर बनाया, जितना मुझसे हो सका वो किया मैंने। माफ कीजिएगा पर आपने जो भी किया है ना, अपनी बेटी माहम और अपने दामाद हमाद के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमेशा पूरी जिंदगी ताने मारे हैं आपने मुझे कि मैं कुछ भी कर लूं आपके दामाद जैसा नहीं बन सकता, अब देख लिया वो कैसा है। अरे कितनी बार मैंने आपसे खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे मांगे, हर दफा आपने मुझसे यही कहा कि मैं काबिल नहीं हूं। मैंने खुद के बेटे पे भरोसा नहीं किया, दामाद पे कर लिया। गलतियां सबसे होती हैं, अमेरिका में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अरे सुनिए क्या कह रहे हैं आप, अभी भी उन लोगों की साइड ले रहे हैं जिनकी वजह से शायद हम रोड पे आ जाएंगे। शान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का सोया, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इनके ताने सुने हैं, इनकी बातें सुनी है, और आज इनकी लापरवाही की वजह से शायद हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। आराम से बात करो। इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताना चाहता था, मैंने लाके खड़ा किया ना तुम्हें यहां, मैं ही निकालूंगा, कुछ नहीं मांग रहा किसी से, भीख नहीं मांगूंगा किसी से। अब क्या होगा?
आप फिक्र मत करें अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं रायान से बात करती हूँ, आप प्लीज अब्बू को देखें। देखा तुमने, अभी भी उनके मुंह से हम्माद भाई के लिए एक भी बुरी बात नहीं निकली, क्योंकि उनके नजदीक पूरी दुनिया में अगर कोई है जिसमें कोई ऐब है तो मैं। वो इस वक्त बहुत परेशान है, उन्होंने बहुत मुश्किल से तुम्हें और अम्मी को ये बात बताई है, वो तो अब भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। कब से छुपा रहे हैं वो ये सब? रायान कैसे बताते, और अब बताकर क्या मिल गया उनको? उनको इस वक्त अपने बेटे के सहारे की जरूरत थी, और तुम पुराने शिकवे लेकर बैठ गए। उन हुंडों ने हद से ज्यादा बदतमीजी की है अब उसे। वो हुंडे तो मुझे कहीं मिल गए ना, उनके साथ तो वो करूंगा। क्यों रायान, वो लोग ठीक नहीं है, हमें उनके मुंह नहीं लगना। प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये पैसे अरेंज करो और उनसे जान छुड़वाओ। अब्बू तो अपनी जिद और अना में खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन उनको इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। प्लीज कुछ वक्त के लिए अपने गिले शिकवे भूल जाओ, ये मामला बहुत सीरियस है। मुझे तो डर लग रहा है वो लोग घर ना आ जाएं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। क्या आप कह रहे हैं? आजकल आप ही तो देर से आते हैं, इसीलिए पूछ लिया मैंने। आज कहाँ थी सारा दिन? दो तीन काम थे वो किए, फिर अम्मी की तरफ चली गई। कितने बजे गई? दो तीन घंटे पहले। जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुमने कहा था कि मैं अम्मी के यहाँ, जबकि ठीक उसी वक्त तुम्हारी गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी। ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं रास्ते में थी, अम्मी की तरफ ही जा रही थी, लेकिन मुझे कोई काम याद आ गया तो वहां चली गई थी। मैंने शाम में आंटी को फोन किया, तुम तब भी वहां नहीं थी। तो क्या आप मेरी जासूसी करते हैं? बीवी से सवाल करना कोई जासूसी तो नहीं होता। फिर आप मेरे फोन से अम्मी को फोन कर उनसे पूछने कहाँ थी और कब आई मेरी तरफ? अगर तुम मुझसे ओपनली बात करो तो मुझे किसी तीसरे आदमी से गवाहियां दिलवाने की जरूरत ना पेश आए। आप कह रहे हैं कि सारा दिन घर बैठ के मैं आपका इंतजार क्या करूं? मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, और आज अगर पहली बार पूछ ही लिया है तो बजाय डिस्कस करने के उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। क्योंकि मुझे डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है। और ठीक है, आइंदा आपको हर चीज की रिपोर्ट दे दिया करूंगी, कहां जा रही हूं क्या कर रही हूं। मैंने ऐसा कब कहा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव अ डिसेंट कन्वर्सेशन। तुम इतना मुश्किल क्यों बन रही हो? मैं इतनी मुश्किल हूं ना तो आप मुझसे बात ही नहीं क्या करें? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा आनिया घर पहुंच गई? जी आंटी पहुंच गई। तुमसे फोन पर बात हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही आनिया घर आ गई थी। मैंने तो उससे कहा कि तुम्हें भी बुलवा ले, लेकिन उसने कहा कि तुम बिजी होगे। जी आंटी बस वो आजकल थोड़ी मसरूफियत ज्यादा है, मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे चक्कर लगाता हूँ आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, मैं आपको बाद में करता हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
आपको मुझे तो बताना चाहिए था। मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता था। हम्माद और माहम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि उनकी दुकान के पैसे मैंने दिए। कितना कॉन्फिडेंट था हम्माद। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आपने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया, और बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने अपने अंदर इतना कुछ छुपा के रखा। अरे कम से कम हमें बता दे तो, हमसे शेयर तो करते आप, हम कोई ना कोई हल तो निकालते। मैं बाप हूं किरण, इस घर का सरबरा, इस घर की माली जिम्मेदारी मुझ पर आयत होती है। मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सबको संभाल लूं, लेकिन मैंने सबको मायूस कर दिया, सबके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। मैं हार गया। आपने आज तक जो भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी निभाई ना। रयान तो जानता तक नहीं है उसकी यूनिवर्सिटी की फीस किस तरह भरी है आपने। उसने सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आपने एक दिन में दो दो जॉब्स की, कर्जा लिया लोगों से। उसे तो यही लगता है कि आपने उसके साथ फर्क किया है। काश उसे समझ आ जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है। जिस दिन मैं लंदन से आया था वापस, बहुत खूबसूरत फूल लेकर आया था आनिया के। मुझे भी साथ ले जाते। खुद से ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया है मैंने। यहां तक कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए मैंने अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर दिया, यहां तक अपनी मोहब्बत को भी। बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों जमी फिसले जा।